केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल अमृतसर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों की कड़े शब्दों में निंदा की। अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्री, खास करके जहां भाजपा का सांसद नहीं है, वहां दौरा कर रहे हैं ताकि 2019 के चुनाव में भाजपा को बढ़त मिल सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा तथा विधानसभा में पंजाब में हुई हार का विशेषण किया जा रहा है। मित्रों, आज का मेरा जो कार्यक्रम है वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये तय किया है कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में सभी संसदीय क्षेत्रों में लोगों को जाना है। कुछ मंत्रियों को विशेष करके उन क्षेत्रों में जाना है जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं है। अमृतसर भी उस संसदीय क्षेत्र में सम्मिलित है जहां वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं है। 6 अप्रैल क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? ये भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना 51 में की थी, लेकिन 77 के चुनावों में इमरजेंसी के विरोध में जो जनता पार्टी बनी उसमें जनसंघ विलीन हो गई थी। 2 साल बाद परिस्थितियां बदली और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा, इसी विचारधारा से जुड़ा हुआ एक नया दल होना चाहिए, तो 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में एक अधिवेशन हुआ और राजनीतिक दल का नाम भारतीय जनता पार्टी रखा गया। इसलिए 6 अप्रैल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 14 अप्रैल इसलिए महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो पूरे देश में हर संसदीय क्षेत्र में हमारे सांसद, हमारे मंत्री, हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, प्रेस से मिलेंगे और कैसा धरातल है और कैसे हम 2019 में ऐसी सीट को जीत सकते हैं जिसको हम अभी जीत नहीं पा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पेश करेंगे। हम 2017 में बैठे हैं, 2017 का वर्ष इकोनॉमिक रिफॉर्म का ईयर कहलाएगा ऐसा हमें लगता है। पहली बार हमने यूनियन बजट को 28 फरवरी से 1 फरवरी किया, यूनियन बजट और रेलवे बजट को मिक्स किया। मुझे जो बड़ा लाभ लगता है कि बिजनेस करना आसान हो जाएगा। अगर किसी को वन वे में हम कहें कि जीएसटी का क्या लाभ होने वाला है, बिजनेस करना आसान हो जाएगा। अगर एक उदाहरण से समझाऊं, आज एक जम्मू से ट्रक चलता है और अगर केरल पहुंचे तो 4 दिन लगते हैं, जीएसटी लागू होने के बाद वो 2 दिन में पहुंच जाएगा। तो 2 दिन का जो समय बचता है, श्रम बचता है, पैसा बचता है, ये आगे चल करके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बहुत बेनिफिट देने वाला है। नहीं, ये तो है ही, खैर उसको 317 में उनको प्रावधान है, लेकिन लागू इसलिए होगी, मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर बिना जीएसटी रह कैसे सकता है, ये बताइए आप। अगर बिना जीएसटी जेएंड के रहते हैं तो उसको बहुत नुकसान है, इसलिए जीएसटी आएगा ही आएगा। हम आके जो वित्त मंत्री है हमारी हर जीएसटी काउंसिल में आते हैं, उनसे जब हमारी बात होती है वो कहते हैं नहीं, हम जीएसटी लाएंगे क्योंकि बिना जीएसटी हम रह ही नहीं सकेंगे। देखिए, 1984 के दंगे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थे। इस देश में जिस तरह का
उस समय तांडव हुआ था, वो हमारे लोकतंत्र पे धब्बा है, हमारी संस्कृति पे धब्बा है, हमारी सभ्यता पे धब्बा है। इस तरह की चीज़ों की कल्पना करना भी रोंगटे खड़े करने वाला है। भारतीय समाज इसकी इजाज़त नहीं देता।